नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। सौरभ शर्मा के हत्या को लेकर पंडित पंकज धबरैया एसपी से मिले और प्रशासन पर आपराधिक साठगांठ का आरोप भी लगाया। देखिए, सौरभ शर्मा की हत्या को लेकर पंडित पंकज धबरैया एएसपी से मिले और प्रशासन पर आपराधिक साठगांठ का आरोप लगाया और निवेदन किया कि सवर्णों का उत्पीड़न नहीं सहा जाएगा। जेल गए तीन अपराधियों के तीन और साथी थे जिनका खुलासा नहीं किया गया और कई घटनाओं के आरोपी खुले घूम रहे हैं, जैसे राजू कौशिक के हमलावर। इस पर जल्दी कार्रवाई हो, अन्यथा सड़कों पर सवर्ण समाज उतर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। तो उनका केवल ये कहना है कि हमने विवेचना में परिवर्तन करने के लिए आगे प्रेषित कर दिया गया। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको जो ऐसा लगे वो आप ऐसा काम कीजिएगा। क्राइम ब्रांच को दे दी जाएगी, ठीक है ना, क्राइम ब्रांच को दे दी जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आज आप आए हो, लगभग मुझे लगता है ऐसे चौगुनी संख्या में आपको उपस्थित होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन बल की बात सुनता है ना। अगर हम निवेदन करेंगे तो ये हमारी शायद बात को नहीं सुनेंगे। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले तीन सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।